दोस्तों, आजकल जब भी हम लोग मंडे नाइट रॉ देख रहे हैं तो हम लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि एरिक रोमन के केज के अंदर क्या है। तो क्या एरिक रोमन के केज के अंदर जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले मंडे नाइट रॉ में देखा था, जब एरिक रोमन का किसी लोकल टैलेंट के साथ मैच चल रहा था, तब मैच के बीच में एरिक रोमन केज के अंदर हाथ डालने जाते हैं और उसके बाद एरिक रोमन के हाथ से खून आने लगता है। तो दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि एरिक रोमन के केज के अंदर ऐसा कुछ है जो कि काटता है। तो दोस्तों, ऐसी तीन चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि हो सकता है एरिक रोमन के केज के अंदर। दोस्तों, नंबर तीन पे आता है एरिक रोमन का शिप मास। जैसा कि आपको याद होगा, जब एरिक रोमन व्हाइट फैमिली के मेंबर थे तो वो शिप मास पहन के रिंग में आते थे और मैच खेला करते थे। हो सकता है कि एरिक रोमन ने किसी शिप का कटा हुआ सर उस केज के अंदर रखा हो, जिससे काफ़ी सारा खून आता हो और सारे WWE फैंस इसी चीज़ के प्रडिक्शन करे। पर मुझे नहीं लगता उस केज के अंदर एरिक रोमन का शिप मास्क है, क्योंकि आपने देखा होगा जब एरिक रोमन के हाथ पे वो चीज़ काटा था तो एरिक रोमन को काफ़ी पेन हो रहा था। दोस्तों, दूसरा ऐसा चीज़ जो कि हो सकता है एरिक रोमन के केज के अंदर, वो है रैट या फिर रैबिट। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, एरिक रोमन का केज काफ़ी छोटा है और उस छोटे से केज में कोई छोटा जानवर होने की काफ़ी संभावना है, इसीलिए उस छोटे से केज में रैट या रैबिट होने की ज़्यादा संभावना लग रही है। दोस्तों, नंबर वन पे जो चीज़ आता है और उनके केज में होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, वो है स्नेक की। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WWE में इससे पहले भी एक रेसलर थे जो कि स्नेक लेकर हाथ में रिंग में आते थे और उनका नाम था जैक रॉबर्ट और वो काफ़ी खतरनाक दिखते थे और उस छोटे से केज में स्नेक आराम से आ सकता है। और आपको पता होगा कि स्नेक के काटने पर खून भी कभी कभी आता है, इसीलिए उस केज के अंदर स्नेक होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और WWE इस चीज़ का रिवील आने वाले मंडे नाइट रॉ में हमें करते दिख सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है उस केज के अंदर, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।